मध्य प्रदेश सरकार ने अनलॉक की नई गाइडलाइन जारी कर दी है। इसके तहत छूट का दायरा बढ़ा दिया गया है। अब शॉपिंग मॉल के साथ साथ जिम, रेस्टोरेंट, क्लब, फिटनेस सेंटर और खेल स्टेडियम को भी खोलने की इजाज़त दे दी गई है। सभी तरह की दुकानें, प्रतिष्ठान और प्राइवेट ऑफिस पूरी क्षमता के साथ सुबह 9 से रात 8 बजे तक खुल सकेंगे। रेस्टोरेंट, जिम, फिटनेस सेंटर, क्लब को 50% क्षमता के साथ खोला जा सकेगा। सरकारी दफ्तरों में 100% स्टाफ आ सकेगा। धार्मिक स्थलों पर एक समय में अधिकतम 6 लोग ही जा सकेंगे। पहले यहां 4 लोगों की अनुमति थी। अभी कोचिंग, स्कूल, स्विमिंग पूल और सिनेमाघर अभी बंद रहेंगे। स्कूलों में केवल ऑनलाइन क्लासेस ही चलेंगी। इसके अलावा शादी में दोनों पक्षों के कुल 50 लोग ही शामिल हो सकेंगे। इसकी सूची प्रशासन को देनी होगी। अंतिम संस्कार में अधिकतम 10 लोग जा सकेंगे। सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक, धार्मिक आयोजन, मेलों पर प्रतिबंध रहेगा। सभी उद्योग पूरी क्षमता से चल सकेंगे। निर्माण गतिविधियाँ भी चल सकेंगी। भोपाल में रोजाना 6,700 टेस्ट को लेकर नया खुलासा हुआ है। पुलिस की मदद से स्वास्थ्य विभाग ऐसे लोगों के भी कोविड टेस्ट करा रही है जो किसी दूसरे काम से सड़क पर निकले थे। पुलिस सड़क पर किसी भी गाड़ी को ड्राइवर का चेहरा देखकर रोक लेती है और हेल्थ टीम RT-PCR टेस्ट के लिए सैंपल ले लेती है। अस्पताल खाली पड़े हैं और रोजाना 100 से भी कम केस आ रहे हैं। बावजूद कोविड टेस्ट हजारों की संख्या में है, सवाल यह है कि आखिर ये टेस्टिंग हो किन की रही है, जबकि नए टेस्ट 1.25% ही रह गए हैं। कैबिनेट विस्तार की अटकलों के बीच मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान दोपहर 12 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। मुख्यमंत्री राज्य में कोरोना वायरस महामारी को लेकर प्रदेश सरकार के अब तक के किए गए प्रयासों और वैक्सीनेशन की जानकारी प्रधानमंत्री को देंगे। इस दौरान राजनीतिक मुद्दों पर भी चर्चा हो सकती है। मुख्यमंत्री देर शाम दिल्ली पहुंच गए थे। वे प्रधानमंत्री के अलावा केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर व केंद्रीय रसायन व उर्वरक मंत्री DV सदानंद गौड़ा से भी मुलाकात करेंगे। भोपाल से रवाना होने से पहले मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया पर लिखा था, भारत की गरीब जनता का कल्याण PM नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के सर्वोच्च प्राथमिकता रही है। कल्याणकारी नीतियों व योजनाओं से सामाजिक सुरक्षा का एक ऐसा मजबूत कवच बनाया गया है जो गरीबों के लिए वित्तीय स्वतंत्रता के नए रास्ते खोलता है। कोरोना की दूसरी लहर थमते ही अंतरराज्यीय बस सेवा एक बार फिर बहाल होने जा रही है। MP से UP, राजस्थान, छत्तीसगढ़ के बीच बंद किए गए बसों के संचालन को फिर से शुरू किया जा रहा है, लेकिन महाराष्ट्र के शहरों से मध्य प्रदेश के शहरों में आने जाने वाली बसों को अभी बस सेवा संचालन का इंतजार करना पड़ेगा। महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के बीच बस सेवा को 22 जून तक स्थगित किया गया है। ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि मध्य प्रदेश में दूसरी लहर का कहर महाराष्ट्र सीमा से लगे शहरों से ही बढ़ा था। अभी स्थिति काबू में है, लेकिन महाराष्ट्र में हालत सुधरने में अभी कुछ दिन और लग सकते हैं। मध्य प्रदेश से चारों राज्यों के लिए 333 बसें स्थायी परमिट पर चलती हैं। करीब 100 बसें अस्थायी परमिट पर चलती हैं। मध्य प्रदेश पैरोल पर 4,500 बंदियों को छोड़ने के बाद भी जेलों में जगह नहीं बची है। 28,000 की क्षमता वाले प्रदेश की जेलों में 31 मई की स्थिति में 45,000 बंदी। लॉकडाउन के 38 दिनों में प्रदेश में 8,000 नए लोग जेल में पहुंच गए हैं। ये खुलासा हाईकोर्ट में राज्य सरकार द्वारा पेश किए गए स्टेटस रिपोर्ट में हुआ है। जेलों में क्षमता से अधिक बंदियों को लेकर हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए राज्य सरकार से जवाब मांगा था। हाईकोर्ट ने 7 साल से कम सजा वाले प्रकरणों में जेल में बंद कैदियों को पैरोल पर छोड़ने की बात कही थी। कोरोना की पहली लहर के बाद जेलों से पैरोल पर 4,500 कैदियों को छोड़ा गया था। जनवरी 2021 में सभी को वापस होना था, पर 1,536 कैदी नहीं लौटे हैं। इनमें से 22 तो फरार हो चुके हैं, इनका पता तक नहीं लग रहा है। वहीं 37 कैदियों की मौत हो चुकी है। इसके अलावा जेल में कोरोना संक्रमण से 13 कैदियों की मौत हो चुकी है। पश्चिम बंगाल के 2 ठगों को MP की जबलपुर पुलिस ने 15 जून को गिरफ्तार किया है। दोनों अरब देश की करेंसी बदलने का झांसा देकर लोगों को ठग रहे थे। आरोपियों के कब्जे से 2,000 भारतीय मुद्रा और अरब देश की मुद्रा दिरहम, संयुक्त अरब अमीरात की मुद्रा के 50-50 के नोट जब्त किए हैं। दोनों को गिरफ्तार कर पुलिस पूछताछ में जुटी है। लॉर्डगंज पुलिस के मुताबिक खान तलैया बकरा मंडी के सामने हनुमान ताल निवासी सावन सोनकर ने शिकायत दर्ज कराई थी कि वह मछली बेचने का काम कर रहा है। 15 जून को वह शाम 4:45 बजे मामा शेरू से मिलने रानी ताल गया था। रानी ताल चौराहे पर 2 लोग आ गए, बोले कि वे पश्चिम बंगाल से आए हैं। उनके पास भारतीय रुपया नहीं है, पर अरब देश की मुद्रा दिरहम है। एक दिरहम की कीमत
भारत में 20 रुपए के बराबर है। उनके पास देहरम के 50-50 के नोट थे। फर्जी कॉल करके बैंक खाते से पैसे निकालने और नामी ऑनलाइन कमर्शियल कंपनियों से मोबाइल मंगाकर करोड़ों रुपए की धांधली करने वाले गिरोह का बालाघाट पुलिस ने पर्दाफाश किया है। पुलिस ने करीब 20 करोड़ रुपए का फ्रॉड पकड़ा है। पुलिस ने 8 आरोपियों से 300 से ज़्यादा मोबाइल हैंडसेट, 10 लाख नकद जब्त किया है। बड़े स्तर पर चल रहे ऑनलाइन ठगी के तार एक दो नहीं बल्कि 18 से अधिक राज्यों से जुड़े हैं। अब तक इन नेटवर्क पर 8 मुख्य संचालकों को बालाघाट, झारखंड के रांची, सरायकेला, देवगढ़ और आंध्र प्रदेश के चित्तूर से गिरफ्तार किया गया है। इनमें 2 आरोपी बालाघाट के हैं। बालाघाट SP अभिषेक तिवारी ने बताया कि इस नेटवर्क की जड़ों तक पहुंचने के लिए आयकर विभाग और ED से संपर्क किया जा रहा है। इस मामले में चरणबद्ध तरीके से सब पर कार्रवाई की जाएगी। पेट्रोल डीजल के दाम शतक के बाद भी रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। भोपाल में पेट्रोल के दाम 105 रुपए और डीजल 95.96 रुपए प्रति लीटर तक पहुंच गए हैं। खास बात यह है कि उत्तर प्रदेश की तुलना में पेट्रोल के दाम मध्य प्रदेश में 12.15 रुपए ज़्यादा हैं। हालत यह है कि उत्तर प्रदेश की सीमा से सटे मध्य प्रदेश के जिलों में पेट्रोल पंप पर ताले लग चुके हैं। लोग कुछ किलोमीटर का फासला तय कर उत्तर प्रदेश से अपनी गाड़ी का टैंक फुल करवा लाते हैं। यही नहीं, सीमा से नज़दीक वाले इलाकों में पेट्रोल डीजल की दुकानें खुल गई हैं। यह स्थिति मध्य प्रदेश में टैक्स ज़्यादा होने के कारण बनी है। हरदा देश का पहला जिला होगा जहां सभी 550 आंगनवाड़ी सौर ऊर्जा से रोशन होंगी। इसकी शुरुआत 4 केंद्रों से कर दी गई है। बच्चों को मच्छर व गर्मी से निजात दिलाने के लिए 1 CD पंखा भी लगाया जाएगा जो सामान्य से कम वॉल्ट पर चलता है। रोशनी के लिए 10-10 वॉल्ट के 2 LED बल्ब भी जलेंगे। नो ग्रिड नो बैटरी का सोलर सिस्टम लगाने में प्रत्येक केंद्र पर 7,610 रुपये खर्च आएगा। यह खर्च सरकार को नहीं उठाना होगा, सब जन सहयोग से होगा। इसके लिए हरदा जिले में एनर्जी स्वराज फाउंडेशन बिना ग्रिड बिना बैटरी का सोलर सिस्टम आंगनवाड़ियों में लगने की पहल कर रहा है। सोलर मैन चेतन सिंह सोलंकी ने बताया कि हरदा जिले में 100 आंगनवाड़ी केंद्रों में जन सहयोग से ही सोलर सिस्टम लगाने की तैयारी हो चुकी है। 15 अगस्त तक सभी 550 केंद्रों पर यह सिस्टम लगवाएंगे। इसके लगने से हरदा देश का पहला ऐसा जिला बन जाएगा जहां के सभी आंगनवाड़ी केंद्र सौर ऊर्जा से रोशन होंगे। पूर्वी मध्य प्रदेश पर मानसून मेहरबान है लेकिन पश्चिम मध्य प्रदेश मालवा निमाड़ तेज बारिश के लिए तरस रहा है। रास्ता भटक जाने के कारण यहां अब तक मुंबई वाला मानसून नहीं पहुंचा है और रफ्तार कम होने से छत्तीसगढ़ की तरफ से चला मानसून भी यहां नहीं पहुंचा है। नतीजा जबलपुर बालाघाट से लेकर सागर भोपाल सहित पूरा पूर्वी मध्य प्रदेश तर बतर है, जबकि दोनों तरफ मानसून के नहीं आने से इंदौर देवास उज्जैन सहित पूरा मालवा तेज बारिश के इंतजार में है। पश्चिम मध्य प्रदेश में अब तक मानसून ही नहीं पहुंचा है। इसके पीछे हवा की दिशा में बार बार हो रहा बदलाव। उम्मीद थी कि 13 जून को मानसून निमाड़ के रास्ते इंदौर पहुंचेगा लेकिन रास्ता भटकने से अब तक नहीं पहुंचा है। एक्सपर्ट के अनुसार अरब सागर से मुंबई होते हुए मानसून को बड़वानी बुरहानपुर के रास्ते इंदौर सहित पूरे मालवा निमाड़ में आना था। हमेशा यही रूट रहता है। 2 तूफानों के बाद हवा में बार बार हुए बदलाव से यह स्थिति पलट गई है। मानसून मुंबई से अरावली की पहाड़ियों से गुजरात के दाहोद, राजस्थान, मध्य प्रदेश की बॉर्डर से होते हुए हरियाणा पहुंच गया है। अब यूपी की ओर का रुख कर रहा है। इसी कारण इंदौर सहित मालवा निमाड़ में बारिश नहीं हो रही है।